दोस्तों, अगर आपने एक बार ये मंचूरियन बनाकर खा लिया तो आप बाहर जाकर मंचूरियन खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो पत्ता गोभी ली है, उसे अच्छे से क्रश कर लिया है। मैंने यहाँ पर ग्राइंडर में हल्का हल्का पीस लिया है। अगर आपको किसनी की सहायता से पीसना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। नमक मिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। नमक मिलाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट लिए रख देंगे। दोस्तों, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, फिर डालेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा। कॉर्नफ्लोर और मैदा की क्वांटिटी सेम रखनी है। फिर इसमें डालेंगे काले मिर्च का पाउडर। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डाल लें, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वेजीज में पानी ऑलरेडी रहता है। हमने हालांकि पानी निकाल दिया था। अब ये अच्छे से मिल चुका है। अब बारी है गोलियां बनाने की। तो धीरे धीरे मीडियम साइज़ की गोलियां बनाएंगे। अगर आप बड़ी साइज़ की बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगर गोलियां बनाते टाइम ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं हाथों में, फिर गोलियां बनाइए। जब तक गोलियां बनकर तैयार हो रही हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मंचूरियन की बॉल्स फ्राई होने के लिए तैयार है। अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, ऑयल डालेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर धीरे धीरे बॉल्स को उसमें डालेंगे। फ्लेम को हमेशा हाई टू मीडियम रखना है। देखिए दोस्तों, बॉल्स कितनी क्रिस्पी बनी है। अब बारी है मंचूरियन बनाने की। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसमें गार्लिक और जिंजर, जो मैंने पहले से चॉप कर ली थी, उसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, उसे भी मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च अच्छे से शैलो फ्राई हो चुकी हैं और कलर चेंज हो गया है। अब बारी है इसमें वेजीज डालने की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने वेजीज को पहले ही कट कर लिया था। वेजीज आपके हिसाब से ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने रेड शिमला मिर्च ली है, हरी शिमला मिर्च ली है, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज। अगर आपके पास येलो शिमला मिर्च हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे पत्ता गोभी। प्याज, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। धीरे धीरे ये अच्छे से पक रही हैं। फिर इसमें डालेंगे गाजर, इसे अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। धीरे धीरे इसे मिलाकर इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, ताकि अच्छे से पक जाए। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा रखना है। अब बारी है इसमें सॉस डालने की। तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, फिर हम डालेंगे रेड चिली सॉस, फिर हम डालेंगे सोया सॉस, लास्ट में डालेंगे हम टमाटो सॉस। ये
इन्हें अच्छे से डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। सॉस की क्वांटिटी आपके हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जितना मैंने डाला है उतना तो ज़रूर डालिए। फिर डालेंगे हम विनेगर, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है। फिर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अब हम कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी मिलाकर डालेंगे, इससे गाढ़ापन अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने अजीनोमोटो नहीं डाला है, ये टोटल ऑप्शनल है, इसके बिना में भी ये बहुत अच्छा बनता है। फिर हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, पहले भी हमने काली मिर्च का पाउडर डाल चुके हैं तो हम थोड़ा ही डालेंगे। अब बारी है मंचूरियन बॉल्स डालने की, तो धीरे धीरे जो मंचूरियन बॉल्स हमने तैयार की थी वो डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं चलाना है, नहीं तो बॉल्स टूट जाएगी। अच्छे से मिलाने के बाद देखिए दोस्तों इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत पानी आप बाद में थोड़ा सा डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों मंचूरियन कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली दोस्तों हमारा वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।